वेलकम टू माय चैनल हैदराबादी फूड स्टोरीज। आज अपन आए विमान रेस्टोरेंट जो कि विजयवाड़ा में है। लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रही, एक बार चेक कर लो। इसकी खास बात क्या है बोले तो एयरप्लेन के अंदर डाइनिंग रहता और बाजू में बॉक्स क्रिकेट भी है। वीकेंड पे अच्छा प्लान कर लेके आए तो लंच के बाद में इवनिंग पूरा फुल खेल लेके जा सकते। और ये डे व्यू में इतना अच्छा दिख रहा, नाइट में और अच्छा दिखता भाई लाइट्स वगैरह डालने के बाद में। ये एक्चुअली 2019 में स्टार्ट करे, फिर कोविड की वजह से बंद कर दिए थे और ये रिसेंटली दसरे में रीओपन करे सो है। ऐसी एयरप्लेन डाइनिंग्स दिल्ली और गुजरात में भी है और दूसरे जगह कहीं तो भी है, तो मेरे को कमेंट में बोलो किधर है। आंध्रा को आए और आंध्रा का लोकल फूड ट्राई नहीं करे तो क्या फायदा भाई। इधर के स्नैक्स और स्वीट आइटम्स तो बहुत फेमस है। सामने एक छोटा स्टॉल है, उसमें स्वीट और स्नैक आइटम्स दो भी है भाई। काकीनाड़ा खाजा से लेके पल्ली पट्टी, सोन पापड़ी, अरसलू, बोब्बटलू, चिप्स वगैरह सब है। पूतरेकुलू मेरा फेवरेट है भाई, तो मैं जाते जाते एक पूतरेकुलू का डब्बा भी ले लेके गई। अंदर लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी है, ओनली 60 मेंबर्स ही बैठ सकते हैं, इसीलिए वेटिंग के लिए फ्लाइट के नीचे विंग्स के नीचे चेयर्स और बेड्स भी डाले सो है। आराम से लेट भी सकते हैं और फुर्सत से बैठ भी सकते अपना नंबर आए तक। और ये रियल प्लेन है क्या कि मट्टी से बनाए सो नहीं होती, रियल प्लेन को ही ले लेके ट्रांसफॉर्म करके रेस्टोरेंट बनाए सो है। इन लोगों का इंस्टाग्राम आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी, वो भी एक बार चेक कर लो। कहीं को बोले तो नए ऑफर्स और अपडेट्स आए तो अपने को सबसे पहले उसमें ही मालूम हो जाते। ये आउटस्कर्ट्स में रहने की वजह से बहुत शांत है। वीकेंड्स में फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में आए तो अच्छा वीकेंड स्पेंड कर लेके जा सकते भाई। टेंट्स है, बॉक्स क्रिकेट है, फुल मजा आती। ये डोर को देखे तो कहाँ की अपन लॉन्ग ट्रिप को जा रहे बोले जैसा फीलिंग है भाई, लेकिन ऐसा अंदर घुसते कि देखे तो पूरा रेस्टोरेंट मॉडल है। थीम रेस्टोरेंट्स के लिए एक अलग सोच और विजन रहना भाई, और ऐसा कुछ है तो लोग दूर दूर से आते भाई देखने के लिए। अपन फ्लाइट में बहुत बार गए लेकिन फ्लाइट के अंदर कॉकपिट में कैसा रहता, ड्राइवर का सीट कैसा रहता, वो सब देखना है तो इधर आके देखना भाई। थ्रिल सिटी के फ्लाइट सिम्युलेटर में देखे अपन लोग ये सब कैसा काम करता, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लो एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी मैं। बहुत गिच्छियां रहते भाई, इतने सारे मीटर्स वगैरह मैनेज करना रहता, बहुत एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस रहे तो ही उड़ा सकते भाई अपन। इधर बैठ के मेरा भाई तो अपने आप को बड़ा पायलट समझ ले रहा भाई। आप लोग भी इधर आके पायलट की सीट पे बैठ के वो फील ले सकते। इधर आप लोग आए सो है तो कमेंट में डालो आप लोगों को कैसा दिखा, और नए आए सो वाले एक बार इधर आओ भाई, एकदम मजा आता, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता इधर का। और इसके अंदर का इंटीरियर तो पूछो नको भाई, एकदम जबरदस्त है, रियलिस्टिक फ्लाइट में बैठे जैसा ही है। बाहर विजयवाड़ा की गर्मी के बाद में इसके अंदर आए तो जन्नत में है जैसा ही है भाई, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है इसके अंदर तो। ये टेल का जो गेट है उधर ही टेंट्स में किचन है, उधर से ही अपने को फूड लेके आके सर्व करते। ये देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे सो वाले सब्सक्राइब कर लो, और जो भी सब्सक्राइब करे आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोग ऐसे मेरे कंटेंट को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आप लोग भी चाह रहे कि मैं दूसरे दूसरे प्लेसेस रिव्यू करूं बोले तो कमेंट में डालो, मैं आपके कमेंट को 110% रिप्लाई करती। और एक अजीब एक्सपीरियंस था इसमें, ऐसा लाइट हिल रही थी फ्लाइट तो, वो साइकोलॉजिकली वैसा है या सही में हिले जैसा दिखा, आप लोग भी इधर आके एक्सपीरियंस करो मालूम होता। एकदम रियलिस्टिक फ्लाइट में हूँ मैं, सही में उड़ रहा चल रहा, थोड़ा बैलेंस इधर उधर हो रहा बोले जैसा दिख रहा था। मेनू एकदम रेगुलर फाइन डाइन रेस्टोरेंट के जैसा है, आप लोग स्क्रीन पॉज करके प्राइसेस देख लो। वेज नॉन वेज दो भी ऑप्शंस है भाई, और सी फूड ऑप्शंस भी है इधर। डेजर्ट्स नहीं है, वो एक अजीब लगा, वो भी ऐड कर दिए तो अच्छा रहता था। पूरा मेनू देखने के बाद में अपन ऑर्डर करे हनी सिजलर जो कि 480 रुपीस का था। इसके अंदर चिकन मंचूरिया, चिकन स्प्रिंग रोल्स और चिकन लॉलीपॉप था। अभी हमारा भाई टेस्ट करके बोलेगा कौन सा कैसा है। चिकन मंचूरिया तो स्मूथ होके जबरदस्त था भाई, और लॉलीपॉप का टेस्ट भी अच्छा था, फुल टू स्पाइसी स्पाइसी होके जबरदस्त था भाई। तीन लोग आराम से खा सकते हैं इसमें। और यहाँ पे एक हनी ग्लेस चिकन बोल के भी था, सबसे यूनिक दिख रहा था भाई, इसीलिए वो भी ऑर्डर करे। दिखने में उसका प्रेजेंटेशन ही इतना अच्छा है। और ये 290 का डिश है। बंजारा कबाब ये भी 290 का डिश है। स्टार्टर्स में ये पूरे डिशेस बस बस हो गए भाई, और टेस्ट में तो अंगार थे। आप लोगों को एक बात मालूम है, फ्लाइट का खाना अपने को कहीं को अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि जब अपन फ्लाई करते अपना टेस्टिंग सेंस और स्मेल का सेंस पूरा कम हो जाता, इसीलिए अपने को फ्लाइट का खाना अच्छा नहीं दिखता। लेकिन इधर फ्लाइट में बैठ के टेस्टी खाना खाना है बोले तो इधर आ जाना भाई। हनी चिकन का तो जबरदस्त मजा था भाई, मीठा मीठा होके अलग था और अच्छा था। और ये कबाब के ऊपर लाइट नींबू निचड़ लेके हरी चटनी के साथ में खाए तो टेस्ट तो जबरदस्त था भाई। टेस्ट के मामले में आप बेफिक्र रह सकते, ऐसा विंडो सीट के पास में बैठ के खाते रहे तो वो मजा ही अलग था भाई।
और खाने पे आए और बिरयानी भूल गए तो कैसा पाप लगता। हैदराबादियों को किधर भी गए तो बिरयानी तो होना ही होना है भाई। मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी तो बहुत कॉमन है। आंध्रा में सी फूड बहुत फेमस है, इसीलिए अपन ऑर्डर करें प्रॉन्स बिरयानी। इधर की बिरयानी का भी अलग ही टेस्ट रहता, खारा खारा होके जबरदस्त रहता भाई। आपको भी आंध्रा स्टाइल बिरयानी पसंद है तो कमेंट में बोलो, मेरे को तो बहुत पसंद है भाई। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हासन। व्हाट इज योर नेम? सियादिया। आर यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम? Yes. Did you like this place? Thank you. Very nice. What did you like the most here? I like the rice items such as biryani, fried rice. Yeah. And how about this plane? Have you ever been in a flight? Yes. And how do you feel here? I feel like it's a reality in like a plane. Like the food is really nice. Okay. Would you like to recommend it to your friends and family? Yes. Would you recommend it to people outside of Vijayawada as well? 100%. Subscribe to Hyderabad Food Stories. एक अलग ही एक्सपीरियंस था भाई इधर का। आउटडोर से ले लेके एम्बियंस तलक फूड सब चीज जबरदस्त था। आप लोग भी इधर आओ और एयरप्लेन डाइनिंग एक्सपीरियंस करो भाई, जबरदस्त रहता। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।